हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज एक और जन्माष्टमी स्पेशल रंगोली बनाना सीखते हैं। तो एक कॉर्नर डिज़ाइन में एक रंगोली बनाएंगे। तो दो स्केल लेके हम एक कॉर्नर के शेप बनाएंगे, आउटलाइन हल्का सा। एक ढक्कन है छोटा सा स्टील के, इनके चारों ओर रेड कलर डालेंगे और ऐसे सरकते हुए चार पेटल बनाएंगे फूल के। अब बीच में और एक डॉट डालेंगे रेड, और अंदर के भाग में हमने ऑरेंज के साथ थोड़ा सा रेड मिलाए तो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर हुआ। तो बीच में ये डार्क ऑरेंज कलर डालेंगे। अब जो ये पेटल का आउटलाइन में है, ये थोड़ा डार्क रेड कलर से थोड़ा सा इस टाइप के डिजाइन बना देना है। इसके बाद ये कॉटन बर्ड है, कॉटन बर्ड से जो आउटलाइन है, आउटलाइन को थोड़ा क्लियर कर लेंगे और जहाँ पे डिज़ाइन नहीं बना वहाँ पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन करते हुए जो बाकी बाहर जो रंगोली गया उसको निकाल देंगे। अब येलो कलर से कुछ लाइनिंग बनाएंगे पेटल के अंदर। तरीके से चारों पेटल में येलो कलर से लाइनिंग बना ली हमने। अब डार्क ग्रीन कलर से जो चारों कॉर्नर है यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप के डिजाइन बनाएंगे। अब इनको भी कॉटन बर्ड से थोड़ा साफ करेंगे। कॉटन बर्ड से साफ करने से जो रंगोली अपना वो क्लियर दिखता है। तो हम कितना भी कोशिश किए रंगोली फैलता है जब हम नीचे डालते हैं रंगोली, तो इसलिए जो कॉटन बर्ड है बहुत ही यूजफुल है। हम कॉटन बर्ड यूज़ करेंगे तो जो रंगोली है वो एकदम नीट क्लीन और शार्प दिखेगा। तो ऊपर एक कुछ पत्ती के भाग बनाएंगे डिज़ाइन से, और इनको भी कॉटन बर्ड से साफ कर लेंगे। जो कॉटन बर्ड नया आता है वो थोड़ा सा एकदम टाइट रहता है, उनको थोड़ा सा ढीला करना आपको जो कॉटन रहता है, तो फिर ये जो हम वर्क है वो प्रॉपरली होगा। यहाँ पर कुछ फूल बनाएंगे, फूल के अंदर भी थोड़ा जो डार्क ऑरेंज कलर है डार्क ऑरेंज कलर डालेंगे और फिर से कॉटन बर्ड लेके उनको साफ करेंगे आजू बाजू से। ये एक टूथपिक है, टूथपिक से थोड़ा बीच में थोड़ा सा लाइनिंग बना देंगे पत्ती के अंदर या फूल के अंदर, तो थोड़ा ऐसे टेक्चर आएगा। इस प्रकार दोनों साइड में ये डिज़ाइन बनाना है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहा सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे हर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए यहाँ पर एक मोर पंख बनाते हैं। मोर पंख बनाने के लिए बीच में थोड़ा डार्क ब्लू कलर रहता है, उसके साइड में थोड़ा लाइट ब्लू कलर, तो लाइट ब्लू कलर में एकदम ब्लैक मिलाएंगे तो डार्क हो जाता है डार्क ब्लू कलर। फिर ऊपर में थोड़ा रेड ऑरेंज येलो कलर के कॉम्बिनेशन रहता है, और साइड में लाइट ग्रीन कलर, और उसके साइड में थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर डालना है। और साइड में जो तीन चार कलर है वो एक के बाद एक डालना है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा डार्क ग्रीन कलर से थोड़ा रेशा बनाए, इसके बाद थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर को लेना है और इस प्रकार से रेशा बनाते जाना है। उसके बाद उससे भी थोड़ा डार्क जो ग्रीन कलर है उनको यूज करना है, डार्क ग्रीन को। फिर इसके बाद ब्लैक कलर यूज़ करना है। जब हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं तो जो वर्क है उसमें थोड़ा डेप्थ आता है, थोड़ा डीप दिखता है, इसलिए ब्लैक कलर यूज़ करना ज़रूरी है इसमें। ब्लैक के बाद फिर से थोड़ा सा लाइट कलर इनके ऊपर फिर से यूज़ करना है,
और लास्ट में एकदम जो लाइट ऑरेंज लाइट ग्रीन कलर है उनको देना है। तो थोड़ा सा जो ये तीन चार हमने परत डाले तो इससे अच्छा उभा रहता है, जो टेक्चर है वो अच्छा बनता है। अब जो रंग कॉटन बर्ड है वो साइड कॉटन बर्ड को लेके साइड से क्लियर करना है, और जो टूथपिक है टूथपिक को लेके बारीक बारीक रेशा उसके ऊपर लगाना है ताकि थोड़ा सा टेक्चर आए और दिखने में अच्छा दिखे। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा मोरपंख बनाना है। ये कॉर्नर कॉर्नर रंगोली में मोरपंख यदि हम डालेंगे तो आने वाला जो हमारे त्यौहार है जन्माष्टमी, ये त्यौहार में हम बना सकते हैं घर पे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।